नमस्ते मित्रों, स्वागत है हमारे एक और नए पोस्ट में। कैसे हैं आप? तो आज का धमाकेदार पोस्ट है चाणक्य नीति, अमीर भाभियों को पटाने के 5 तरीके, संतुष्ट करने के साथ देंगी मोटा पैसा। जानिए क्या है वो बातें चाणक्य नीति। भले ही दुनिया काफी आगे बढ़ गई हो, लेकिन चाणक्य के विचार आज भी इस आधुनिक युग में फिट बैठते हैं। चाणक्य एक महान राजनैतिक, दार्शनिक, कूटनीतिक और चिंतक थे, जिनकी किताब चाणक्य नीति आज के समाज का बखूबी चित्रण करती है। जहां आज के दौर में रिश्ते बनना और टूटना आम हो गया है और प्यार में धोखा देना फैशन बन गया है, वहीं अगर हम चाणक्य नीति में बताई गई कुछ जरूरी और आसान बातों पर गौर करें तो रिश्तों से मिलने वाले ज्यादातर कष्टों से बच सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आपको लड़कों की उन आदतों या व्यक्तित्व के गुणों को बताएंगे जो बड़ी उम्र की महिलाओं, खासतौर से भाभी या आंटियों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। अगर आपका दिल भी किसी भाभी या आंटी के लिए माचलता है और आप उनसे अपनी नजदीकियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ हमने चाणक्य नीति को कुछ खास अंशों का अध्ययन किया है जो ये बताते हैं कि भाभियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं। तो आइए शुरू करें। समझदार हो, बुद्धिमता, चालाकी या समझदारी हर किसी को पसंद होती है। एक अक्लमंद इंसान जीवन के किसी भी मोड पर हताश या निराश नहीं बैठ सकता और उसके साथ रहने वाले लोगों को भी उससे फायदा होता है। चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से हर कोई जुड़ना चाहता है, खासतौर से बड़ी उम्र की महिलाएं, क्योंकि वो जीवन की कड़वी सच्चाई को पहले ही अनुभव कर चुकी होती हैं। पर्सनैलिटी का भी रखें ध्यान। चाणक्य के अनुसार औरतों को प्रभावित करने के मामले में व्यक्तित्व एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। भाभी अक्सर उनकी सुंदरता को नहीं बल्कि पर्सनैलिटी को देखती हैं। आपने भी गौर किया होगा कि लड़कियों के ज्यादातर बॉयफ्रेंड सुंदर नहीं होते, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी कमाल की होती है। इसलिए किसी भी महिला से झूठे, फरेबी और खोखले वादे करने से बचें, बल्कि मेहनती, रहमदिल और दूसरी की मदद करने के लिए तत्परता जैसे गुणों को विकसित करें। विनम्रता। चाणक्य के अनुसार शांत स्वभाव के लड़के भाभियों को काफी पसंद होते हैं। जो लड़के कड़ीन से कड़ीन स्थिति में खुद को शांत रखते हैं और जिनको भाभियों से बात करने का तरीका आता है, उनको भाभी का दिल जीतने में काफी परेशानी नहीं आती है। भाभी भी ऐसे लड़कों से बात करना पसंद करती हैं जो थोड़े विनम्र हो और छोटी छोटी बातों पर उछले नहीं। महिलाओं को आमतौर पर ज्यादा बात करना बहुत पसंद होता है, खासतौर से अगर वो बात उनसे जुड़ी है तो वो घंटों बातें करने में ही बिता देती हैं। इसी प्रकार भाभियों को भी वो लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके खुशी व गम को साझा करे। इसलिए जब भी आप किसी भाभी से बात करें तो उन्हें अच्छे से सुने। कहते हैं बात से बात आगे बढ़ती है, क्या पता उनकी कौन सी बात आपकी कहानी का रुख बदल दे। खैर, आपको अपनी बातें भी रखनी है, लेकिन पहले आपको उन्हें अपने विचारों को रखने का मौका देना है। केयरिंग हो, ये एक ऐसा गुण है जो हर लड़की अपने जीवन साथी में होने कामना करती है। लड़कियों और भाभियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, उनकी परवाह करें और जरूरत पड़ने पर उनका साथ भी दें। अगर आप भी किसी भाभी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उनसे भोजन करने की पूछें, कोई समस्या होने पर मदद की पेशकश करें और मुसीबत पड़ने पर पूरा साथ निभाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लड़के भाभियों के दिल में इस तरह घर कर जाते हैं जिस तरह गर्म चाकू मक्खन में घुस जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं।
फिर मिलेंगे कल नई पोस्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।